ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଆତତାୟୀ। ଯାହା ଖବର ମିଳିଛି, ଆତତାୟୀ ମାନେ ଏକ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି କି ଏକ ଜାହାଜକୁ ସେମାନେ ହାଇଜାକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେଠି ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଟକ ରଖିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୁ ଖବର ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି କି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସିଲେ ଏ ଆତତାୟୀମାନେ। ସମ୍ଭବତଃ ହେଇପାରେ ଏମାନେ ନିଶପକ୍ଷେ ଯାତ୍ରୀ ବେଶର ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଅପରେସନ୍ର, କେମିତି ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବିନା କିଛି କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିରେ। ସକାଳୁ ଆମେ ତ ଏଇ ଖବର ପାଇଲୁ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆତତାୟୀମାନେ କେମିତି ପଶିଲେ, ଆମ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଲା କି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଭିଡ଼। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିବ, ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାଟା ଏହା ସତ ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଯାହା ନିୟମିତ ଚାଲେ ଆମ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ। କାରଣ କେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା କିଛି ବି ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କେମିତି ଚାଲିଛି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭିତରେ। BCS କେ ଯୋ ସର୍କୁଲର୍ସ ହେଁ ଔର ଅର୍ଡର୍ସ ହେଁ ଉସକେ ଆଧାର ପେ ସାଲ ମେ ଦୋ ବାର ହମେ ଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନି ହୋତି ହୈ ଏଣ୍ଟି ମେମ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ୱାଲି, ତୋ ଉସି କେ ମଦ୍ଦେନଜର ରଖତେ ହୁଏ ହମନେ ଇସକି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରା ଥା ଆଜ। ଔର ଜୈସା କି ଆପକୋ ପତା ହି ହୈ कि इसके लिए जो कलेक्टर साहब होते हैं वो चेयरमैन होते हैं और बाकी सब हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं इसमें, लाइक फायर डिपार्टमेंट, सिटी फायर डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट एंड ये आपके PWD से, IB से, सब इसके मेंबर्स हैं। तो उन्हीं की देखरेख में पूरी एक्सरसाइज हुई और बड़ी सक्सेसफुल हुई और जो भी उनके इम्प्रूवमेंट्स के पॉइंट हुए कलेक्टर सर ने भी उनको बताया कि ऐसे ऐसे इम्प्रूवमेंट थोड़ा कर सकते हैं हम लोग, तो उसी के लिए पूरी एक्सरसाइज आज कंप्लीट करी गई है। एंटी हाईजैकिंग मॉक एक्सरसाइज होती है कि अगर कभी कोई हाईजैक हो जाए एयरक्राफ्ट तो उसको हर एयरपोर्ट लेवल पे कैसे उसको हैंडल करा जाए उस सिचुएशन को, तो उसी के लिए रिफ्रेशर कोर्स की तरह होता है जो साल में दो बार होता है, जिससे कि आदमी नए नए ट्रांसफ़र पर आते रहते हैं लोग, तो उसको हर नया आदमी उसको मतलब एक्सपर्टाइज हो जाए उसमें, तो उसके लिए वो है। फील्ड में देखिए मॉक एक्सरसाइज होती है तो क्या है कि नॉर्मली एक बस होती है, बस को जो एयरलाइंस की बस होती है उसी को हम लोग एयरक्राफ्ट बना देते हैं और ATC से कोऑर्डिनेशन में रह के वो पूरा उसका कम्युनिकेशन होता है और इस हिसाब से जो आइसोलेशन भी बना हुआ है हमारे यहाँ हर एयरपोर्ट पर रहता है लगभग, वहीं पर जाके उसको पार करा के और फिर उसको हैंडल करते हैं कैसे उसको हैंडल करना है उस कन्वर्सेशन को। टीम में हमारे करीब करीब अराउंड 13 के आसपास लोग थे, 13-14 तक सब मिला के, और बाकी जो क्रू बने थे और हाईजैकर्स बने थे वो अलग एक टीम थी पूरी, और जो APSU जो हमारी यूनिट है उसकी भी 4 या 5 QRT टीम के वो सेटअप बनाए गए थे, कैसे कैसे उसको जाके उन्होंने एयरक्राफ्ट को इनसर्किल करा और फिर होस्टेजेस को रिलीज़ कराया।